सामने आपको जो घर दिख रहा है वो शिवानी कुमारी का घर है दोस्तों, और सामने उनकी कार भी खड़ी हुई है। और कार को आप ध्यान से देखेंगे तो उस पे शिवानी कुमारी के जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं, वोट फॉर शिवानी। दोस्तों इस साइड से हम लोग चलेंगे, वो जो मैं अभी आपको घर दिखाया था जो वो मेन घर है दोस्तों, और ये जो घर हम आपको ले जा रहे हैं दिखाने वो अभी इन्होंने नया बनाया है वीडियो शूट के लिए। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग जो है काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आज हूँ अरियारी गांव में। अरियारी गांव दोस्तों वो गांव है जहाँ से बिलोंग करती है शिवानी कुमारी। दोस्तों ये जो अरियारी गांव है ये औरैया से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर है, और उसे तकरीबन 177 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव स्थित है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, समय हो रहा है तकरीबन 6, और हम लोग कल रात में 12 बजे यानी 12 बजे रात को अपने घर से निकले थे। हमें यहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे लग गए हैं, और हम लोगों ने लगातार बाइक चलाकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, मौसम भी ख़राब था, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग लगातार बाइक से चलते रहे, आखिरकार हम लोग उनके गांव में पहुँच गए हैं। तो आज के इस पूरे व्लॉग में हम आपको उनका घर दिखाने वाले हैं कि कैसा उनका घर है और कैसा उनका गाँव है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको उनका गाँव। तो अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं शिवानी के गांव की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से उनका गांव स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से रोड के दोनों साइड आपको थोड़े बहुत घर देखने को मिल जाएंगे, और ये यहाँ से पूरा इनका गांव स्टार्ट हो रहा है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं, यहाँ की जो छोटी मोटी मार्केट देख रहे हैं, ये उनके गांव की छोटी मोटी मार्केट है। ठीक है, चारों तरफ आपको शॉप वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सामने ये बैनर भी लगा हुआ है, और इस खड़ंजे से हम, मतलब ये जो RTC रोड है, इससे हम लोग गांव के अंदर एंटर होंगे और सीधे चलेंगे शिवानी के घर। और इस साइड देख लीजिए, इनके गांव के कुछ घर हैं साइड, और इस साइड भी कुछ घर वगैरह बने हुए हैं। गांव की जो सड़क है दोस्तों पक्की है एकदम। और एग्जिट लगाना है, ऐसा कुछ नजारा है एकदम देहात है यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ के गांव होते हैं सेम वैसा ही गांव है। ये यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने अपना कभी फर्स्ट वीडियो शूट करा था। ये देखिए उनके घर के पास में ही ये सरकारी स्कूल है, यही दोस्तों लैंडमार्क है उनके घर का। इसके जस्ट पीछे उनका घर है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में उनके घर पे। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इनके घर की तरफ चलते हैं। तो सामने आप देखिए कुछ गांव के घर बने हुए हैं, और इधर भी देखेंगे कुछ थोड़े बहुत घर वगैरह बने हुए हैं। और सामने आपको जो घर दिख रहा है वो शिवानी कुमारी का घर है दोस्तों, और सामने उनकी कार भी खड़ी हुई है। और कार को आप ध्यान से देखेंगे तो उस पे शिवानी कुमारी के जो पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं, वोट फॉर शिवानी। ये देखिए, ये महिंद्रा की SUV का कार है। ये देखिए दोस्तों, और ये सामने उनका जो पूरा मकान है, सामने आपको पोस्टर साफ दिख रहा होगा। तो सामने अभी इनके घर के जो कुछ लोग हैं, उनकी माता जी हैं और बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं वो लोग अभी घर में। हम लोग काफ़ी सुबह सुबह पहुंच गए, तो अभी वो लोग अपने घर के कामों में व्यस्त हैं। तो मैं बाहर बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूं, और आसपास के जो घर हैं मैं वो आपको दिखा देता हूं। साइड के कुछ घर हैं ऐसे बने हुए हैं, और सामने कुछ बगीचा वगैरह है। और
और ये इनके साइड का है। और हम लोग अभी चल रहे हैं जो इनका एक नया घर है, साइड में बना हुआ है, अभी आपने वीडियो में देखा होगा, तो हम लोग उस साइड जा रहे हैं। तो यहाँ से ये रास्ता गया है, तो भाई हमने अभी आपको जो शिवानी के घर का था बाहर बाहर का वीडियो दिखा दिया। तो दोस्तों इनकी जो मम्मी हैं काफ़ी बीमार रहती हैं और अभी सुबह से उनके घर में थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया, इसलिए हम लोग अंदर जाने से भी डर रहे हैं और पूछने में भी डर लग रहा है कि भैया तुम्हारे घर के अंदर का वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी उन्होंने एक नया घर बनवाया है वीडियो शूट वूट के लिए, तो अभी हम लोग उस पूरे घर को आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस साइड से हम लोग चलेंगे, वो जो हमने अभी आपको घर दिखाया था जो वो मेन घर है दोस्तों, और ये जो घर हम आपको ले जा रहे हैं दिखाने वो अभी इन्होंने नया बनाया है वीडियो शूट के लिए। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत पेंट वगैरह है, आपको वीडियो में देखने में लग रहा होगा कि ये सारी की सारी गोबर की लिपाई है, लेकिन दोस्तों ये गोबर की लिपाई नहीं है, ये प्लास्टर है, उसके ऊपर जो पेंट है वो लगाया गया है और उस पर ये सारी डिज़ाइनें बनाई गई हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत घर है दोस्तों। दादा अंदर जा सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने दादा से परमिशन ले ली है, अब हम लोग जाएंगे इसके घर के अंदर और ये पूरा घर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इसका ऐसा आंगन है, अभी नीचे तो कच्चा है, साइड में यहाँ पे देखिए शिवानी कुमारी लिखा हुआ है और लोगो बने हुए हैं, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, और यहाँ से जीने लगे हुए हैं, काफ़ी ओल्ड फैशन में बना हुआ है, हालांकि ये नया है लेकिन उन्होंने वीडियो शूट के लिए स्पेशली इस घर को बनवाया है। और पहले हम चलेंगे इसके दाहिने साइड में, देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनवाई हैं, और इधर नल है, साइड में टॉयलेट वगैरह है, और इस साइड हम लोग देखेंगे अगला घर इनका। तो यहाँ पे कुछ इनका अलमारी वलमारी है और ये शायद उनका कोई स्टूडियो वगैरह बना है, हालांकि अभी तो ये बन रहा है, अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लिविंग रूम है, तो देखिए इन्होंने पत्थर वत्थर रख के ऊपर से पटाई कर दी है, उन्होंने ओल्ड तरीके से इसको पूरा बनवाया है। और साइड में जीनों के नीचे भी एक छोटी सी जगह है, हो सकता है इसको फ्यूचर में किचन वगैरह बनाएंगे। तो ये रहा दोस्तों इनका नया वाला घर, देखिए काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों हम लोग अभी हैं शिवानी का जो नया घर है जिसको उन्होंने स्पेशल वीडियो शूट के लिए बनाया है उस घर के अंदर हैं। उनकी मम्मी से तो बात हो नहीं पाई दोस्तों, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए उनसे हम कुछ जो शिवानी के बारे में जानकारी लेनी थी वो हम ले नहीं पाए। तो पड़ोस के ही एक दादाजी हैं, उनसे हम कुछ पूछेंगे और शिवानी के बारे में जानेंगे कि स्टार्टिंग में उनकी लाइफ कैसी थी और यूट्यूब के बाद से जो अर्निंग हुई उसके बाद से उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजेस आया। तो दादा हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर देखा है बचपन से शिवानी को कि किस स्थिति में वो रही हैं और आज कितनी ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक वो पहुंच चुकी हैं। तो आइए दादा से पूछते हैं, दादा स्टार्टिंग में उनका रहन सहन कैसा था? उनकी रहन सहन बहुत वैसी गलत नहीं, ये मड़ैया में रहते थे, खाना पीना की बहुत दिक्कत थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बिटियाँ थी, और घर के पैदा वही भगवान थोड़ी बहुत समरस्त वही तब तक रहता है, तो
पिताजी नहीं है इनके? पिताजी आते तो फिर जितनी पैदा भाई सुहानी सोई गए खत्म हो गए 5-6 साल बाद। अच्छा, तो ये लोग भाई भी इनके या बहने? बहने बहने, 4 बहने हैं। अच्छा, तो पहले इनका कैसे क्या चलता था जब पिताजी नहीं थे? अरे पहले इनकी भानोई इनके बड़े वाले रहा था यहीं पर, मदद तो वगैरह करते थे। हाँ, खेती पाती करवाते हैं सब। अच्छा, चलिए, तो अभी कितने दिनों से इनका जो ये सब जो घर वर है, पहले आपने बताया था कि झुग्गी वगैरह में रहती थी? वो झुग्गी वगैरह हम पहले रहते थे, परेशानी आते पहले। हाँ, कोई करने वाला? हाँ, करने वाला। तो अभी कितने सालों से बदलाव आ गया इनका घर वर? वो 10 साल से ये बदलाव आएगा वो है। अच्छा, कोविड के बाद जब टिकटॉक आया, टिकटॉक में जब दोस्तों वो फेमस हुई, ठीक, उसके बाद से जो यूट्यूब से अर्निंग हुई, उसी अर्निंग के दम पर हमने ये पूरा ये मकान है, एक गांव उधर जो मेन मकान हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया वो बनवाया। और दोस्तों कहते हैं कि इनका कानपुर में भी कोई अलीशान इन्होंने मकान ले लिया है, और अभी तो दोस्तों इस वक्त वो बिग बॉस में हैं, और बिग बॉस में वो भाई भाग ले रहे हैं, तो इसलिए इस टाइम तो मुंबई होंगी ना? बम्बई है। हाँ, तो इस टाइम तो वो भाई मुंबई में है, और यहाँ पे उनके कुछ परिजन हैं, तो मैंने अभी आपको तो दिखाया ही था कि भाई सुबह सुबह का वक्त है, सारे लोग सो रहे हैं, हम लोग सुबह जल्दी आ गए हैं, तो किसी से बात हो नहीं पाई, तो दादा से हमने थोड़ी बहुत जानकारी निकाली और हम लोगों ने आपको बताई कि कैसी स्थिति थी, और उसके बाद यूट्यूब से कैसे कितना उनके जीवन में बदलाव आया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शिवानी के घर से, पीछे बैकग्राउंड में आपको घर दिख रहा होगा शिवानी का, और ये पूरा मैंने आपको भी गांव दिखाया, और अभी जो वहाँ की सिचुएशन है दोस्तों सही रही है, तो हम उनके घर पे अंदर जा नहीं पाए, और वैसे भी शिवानी है नहीं, शिवानी मुंबई है, तो हम लोगों ने क्या करा कि सिचुएशन गड़बड़ थी, हम लोगों ने वहाँ से निकल लिया है, और बाकी मैंने आपको पूरा गांव घर तो दिखा ही दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो सभी से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक करना, और फिर भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।